हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि हियर एंड यू वाचिंग सृष्टि डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरा हर वीडियो का अपडेट मिल सके। आज मैं लेके आई हूँ ह्यूज नायका हॉल। अभी नायका पे पिंक सेल चल रहा था और मैंने बहुत सारे स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट्स और कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी परचेस किए हैं, तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या परचेस किए हैं और क्यों परचेस किए हैं। मैं पहले आपको स्किन केयर बताऊंगी, फिर हेयर केयर और फिर मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। मैंने पहले ये सिंपल का रिफ्रेशिंग फेस वॉश परचेस किया है और ये मेरे को 228 रुपीज़ में मिला था। 30% का डिस्काउंट चल रहा था रिसेंटली। अभी मैंने देखा है कि इसका प्राइस बढ़ गया है और उसको बोल रहे वो लोग न्यू पैकेजिंग के ऊपर। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि आपको इतने कम में कैसे मिला है। सो उन्होंने अपना कुछ चेंज किया है और प्राइस को भी इंक्रीज़ किया है, मैंने ये चेक किया है। सो गाइज, इसको मैंने 2 साल पहले अप्लाई किया था और मैंने सिंपल का मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश, सिंपल का लाइट मॉइस्चराइज़र, मैंने काफ़ी कुछ ट्राई कर चुका है, उसका मैंने रिव्यू कर चुका है और इसको मैंने पहले भी अप्लाई किया हुआ है। बट मैंने अभी रिसेंटली फिर से मैंने सोचा कि समर के लिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, माइल्ड फेस वॉश है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑयली, एक्ने प्रोन, कॉम्बिनेशन सबके लिए काफ़ी अच्छा होता है, स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, इसलिए मैंने इसको परचेस किया। नेक्स्ट मैंने फेस वॉश जो परचेस किया है वो बायो डर्मा का ये है फेस वॉश, पिंक वाला। अभी रिसेंटली बायोडर्मा ने ये लॉन्च किया है अपना, इससे पहले उनका ब्लू वाला फेस वॉश था, वो भी मैंने यूज़ किया हुआ, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। बट मैंने सोचा ये वाला एक बार ट्राई करते हैं। बट ये थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लगता है, 400 रुपये का मुझे मिला था। 400 रुपये में आपको मिलता है, 100 ml का बॉटल मिलता है आपको 400 रुपीज़ में, और इसके साथ मुझे एक छोटा सा बायोडर्मा का ये फ्री मिला है। एटोडर्म क्रीम है ये, बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम, इसको भी मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई करूँगी और अगर ये मुझे अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली इसका मैं बड़ा वाला पैकेट भी परचेस करूँगी, बड़ा वाला ट्यूब परचेस करूँगी। नेक्स्ट फेस वॉश मैंने परचेस किया है ये काया का एक्ने फ्री फेस वॉश। ये फेस वॉश मैंने आप लोगों को, बहुत लोगों को सजेस्ट किया है जिनको बहुत ज़्यादा पस वाला एक्ने होता है या बहुत ज़्यादा फंगल एक्ने का प्रॉब्लम है, वो ये फेस वॉश यूज़ करो, डेफिनेटली आपका एक्ने काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उसका रीज़न है कि इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड जो होता है पोर्स को क्लियर करता है, एक्ने को रिड्यूस करता है और ये फ्रेग्रेंस फ्री ऑप्शन है, इट्स वेरी अफोर्डेबल गाइस। मुझे लगता है ये 190 रुपीज़ का इस पर लिखा हुआ है बट ये डिस्काउंट पे काफ़ी कम का मिलता है और ये छोटा वाला पैक है और इसका एक बड़ा वाला पैक भी आता है। हालांकि मुझे एक्ने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एज सच बहुत ज़्यादा एक्ने नहीं होता है, बट मैंने एक वॉश ऑफ एक्सफोलिएटिंग के लिए मैंने इसको लिया है कि मुझे एक वॉश ऑफ एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट चाहिए था जिसको मैं यूज़ करूँ, अप्लाई करूँ और वॉश कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा सैलिसिलिक एसिड कुछ लिवॉन है नहीं, दैट इज़ वाई मैंने इसको परचेस किया है और मैं ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी। ऑब्वियसली आप लोग में से बहुत लोग इसको अप्लाई भी कर रहे हैं और काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है ये बायो ऑयल। बायो ऑयल, मेरा अभी स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, बॉडी मॉइस्चराइज़र तो मैं दिन में 3-4 बार लगाती हूँ फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार बायो ऑयल ट्राई करती हूँ और मेरे कुछ स्ट्रेच मार्क्स भी हैं, क्या पता वो रिमूव करे। सो अभी मैं रिव्यू नहीं करूँगी, अभी तो मैंने जस्ट अप्लाई करना शुरू किया है। सो बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू भी करूँगी कि क्या ये वर्थ है ये प्रोडक्ट जितना हाइप्ड है कि ये बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करता है। नेक्स्ट मैंने परचेस किया है ये मैक्स केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सॉरी। मैं बहुत टाइम से पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी, बट आप लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कोई वर्जिन कोकोनट ऑयल बताओ, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करेंगे तभी आपको सजेस्ट करेंगे। तो ये मुझे एक अफोर्डेबल अच्छा ऑप्शन दिखा जिसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था और मैंने अभी सिर्फ एक बार इसको अप्लाई किया हुआ है। मैं बालों में, बॉडी में, फेस पे मेकअप रिमूव करने के लिए मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ और अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, देन आई विल लेट यू नो कि कैसा है ये। नेक्स्ट है मेरा ये परचेस, ये नायका से मैंने परचेस नहीं किया है बट ये है द फॉर्मूला RX स्किन बैरियर रिलीफ क्रीम। ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है, इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी लाइट वेट, बिल्कुल जेल वाला, इमल्शन वाला टेक्सचर है और स्किन बैरियर को तो जो डैमेज स्किन बैरियर है उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होगा, बट मुझे ये अफोर्डेबल नहीं लगता है। 699 रुपीज़ का था या पता नहीं 599 का था जो मुझे 10% डिस्काउंट पे मिला है। तो फर्स्ट परचेस अगर आप करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है,
तो अभी मैं रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बट मैंने इसको 2-3 बार अप्लाई किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि ड्राई स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट हाँ जिनका ऑयली स्किन है बहुत ज़्यादा, जिनको लाइट वेट मॉइस्चराइज़र चाहिए, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट मैंने ये परचेज़ किया है पैंटिन का ये हेयर फॉर कंट्रोल कंडीशनर। मुझे कोई ऐसा कंडीशनर चाहिए था, अभी क्या है मानसून में मेरे बाल बहुत ड्राई हो गया, बहुत फ्रीजी हो गया है, तो मुझे कोई ऐसा कंडीशनर चाहिए जिसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँ पूरा अच्छे से एज अ मास्क की तरह, और मेरे बालों को काफ़ी स्मूथ करे। सो मुझे ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन दिख रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे अफोर्डेबल ऑप्शन ही आप लोगों को बताना अच्छा लगता है और आप लोग मुझसे अफोर्डेबल ऑप्शन ही पूछते हैं, इसलिए मैंने ये ट्राई करने के लिए परचेज़ किया है। ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ट्रेस्मे का कंडीशनर, लॉरियल का कंडीशनर, बट ये मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत लोगों से पूछती थी कि अच्छा आई शेडो पैलेट बताओ, और लोग मुझे बताते थे कॉस्टली साइड में होता था, और ये पैलेट मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है और डिस्काउंट में मुझे 172 रुपीज का सिर्फ पड़ा था। आई वॉन्ट टू सी द पिगमेंटेशन गाइज, वेरी ब्यूटिफुल पिगमेंटेशन इट हैज, कैन यू सी सी। सो गाइज इसमें कलर भी इतने हैं कि आपका चल जाएगा, और इसमें बहुत सारे पैलेट हैं, ये पैलेट नंबर 8 है और इसके बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे आता है आपको, अगर कोई न्यूड कलर चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो आप चेक कर सकते हो और आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने ये परचेज किया है मेबलिन का मस्कारा, हाइपर कर्ल मस्कारा, इसको मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, मेरा सेकेंड थर्ड परचेज है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अफोर्डेबल था, काफ़ी डिस्काउंट पर था, मैंने परचेज कर लिया है। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये क्रीमी मैट लिपस्टिक, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, मैं अभी 2-3 बार से अप्लाई कर रही हूँ, मैंने अप्लाई भी कर रखा है, और इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। As you can see guys, this is the shade. But मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, बहुत क्रीमी है, जब आप लिप्स पे अप्लाई करते हो और बहुत इधर उधर ग्लास पे लग जाएगा, कप पे लग जाएगा, और मुझे ऐसे लिपस्टिक्स पसंद नहीं है क्योंकि मुझे आदत है लिक्विड लिपस्टिक लगाने का। तो 150 रुपये का पड़ा मुझे, तो मैंने इसको YouTube वीडियो बनाने के लिए ही रख रखा है क्योंकि YouTube वीडियो में आप बस अप्लाई करते हो फिर रिमूव कर देते हो वीडियो बना के, तो मैंने सोचा था मैं कुछ अपना अफोर्डेबल मेकअप परचेस करूं जो मैं सिर्फ अपने YouTube वीडियो के लिए ही बना के रखूं। तो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है ये आईब्रो लाइनर, आईब्रो पेंसिल कह लो, और ये स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही सस्ता है, एज यू कैन सी इस टाइप से आता है और यहाँ से आप आईब्रोज पे अप्लाई कर सकते हो, मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, और बहुत ही लाइट है, डार्क ब्राउन कलर का है, बट काफ़ी अच्छा सा है इसका ये टेक्सचर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो अभी सबका मैं रिव्यू करूँगी। और लास्ट परचेस मैंने परचेस किया है ब्लू हेवन का ये स्केच पेन आईलाइनर। मैं लिक्विड आईलाइनर यूज़ करती हूँ, लैक्मे का, लैक्मे आइकॉनिक, बहुत सारा मैंने यूज़ किया हुआ है, बट मैंने कभी स्केच पेन का आईलाइनर यूज़ नहीं किया था, और मैंने सोचा कि एक ट्राई करना बनता है, तो मैंने एक ख़रीदा। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि समर में जो लिक्विड आईलाइनर होता है वो बहुत जल्दी स्मज हो जाता है, तो ये होगा तो स्मज नहीं होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो लेट्स सी क्या होता है। मैंने बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन में लिया है, इसके महंगे महंगे बहुत सारे थे, बट मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही थी इसलिए मैंने बहुत अफोर्डेबल परचेस किया है। हाँ, लास्ट एक मैंने लिप लाइनर लिया है मिस क्लेयर का, ये 49 या 59 रुपीस का है, और इसका जो शेड है सैंडी पिंक करके ये शेड है, इट्स ब्यूटीफुल लिप लाइनर। इसका मैंने रिव्यू देखा था, सब लोगों ने काफ़ी सजेस्ट किया, तो मैंने सोचा एक लिप लाइनर ले लेते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।